नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको ई रिक्शा का फ्रंट शॉकर रिपेयरिंग कैसे करते हैं ये बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सामने एक ई रिक्शा का फ्रंट शॉकर है। इसका ऑयल सील लीक कर गया है शॉकर का, देख सकते हैं आप कितना ऑयल लीक कर रहा है इसका। दोनों शॉकर का स्थिति वैसा ही है। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर जो ऑयल सील लगी हुई होती है उसे आप कैसे चेंज करेंगे। वीडियो को पूरी देखेंगे, स्किप ना करें। देखिए, ये शॉकर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये शॉकर पूरी तरह से लीक हो चुका है। पहले आप इसका स्प्रिंग जो है बाहर कर ले। ये देखिए कितना लीकेज किया हुआ है, देख रहे हैं। इसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये नट लगी हुई है 27 नंबर का, इसको आपको खोलना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, 27 का रिंच से आपको इसको खोलना होगा। लेकिन क्या है, ये पकड़ने में नहीं बनता है, इसलिए आप गाड़ी में ही इसको ढीला कर ले। क्योंकि मेरे पास व्यवस्था है इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ। तो आप जब खोले तो गाड़ी में ही इसको टाइट कर करके आप इस नट को ढीला कर ले। बारह तरह का रिंग रिंच और डाल रिंच से इसको टाइट कर ले, वरना ढीला करने में आसानी होगा। उसके बाद ये देखिए 27 का डाल रिंच से आपको इसको खोलना है। हल्का हल्का ठोकर देंगे, ये खुल जाएगा। देखिए, ये पकड़ने में सपोर्ट मिल गया है। देखिए, ये ढीला हो गया। इस तरीके से इस नट को आपको खोल लेना है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई रहती है, इसलिए ढीला होने के बाद हाथ से ही खोले, क्योंकि ये ऊपर जाने के बाद हो सकता है गिरने के बाद आपको चोट भी लग सकती है। इस तरीके से आपको खोल लेना है। देखिए, देखिए ये खुल गया है। उसके बाद देखिए, इसके अंदर कुछ वायर लगी हुई वायर रहती है, इसलिए कोई कटोरा ले लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये स्प्रिंग को आप इस तरह से निकाल ले। देखिए, स्प्रिंग को निकाल के रख ले। अब क्या करिए, आप इस प्लेट को पहले खोल ले, काम करने में आसानी होगी। देखिए, ढीला करने के बाद आप इसे निकाल ले। इसके अंदर जो भी वायल है उसको इस तरह से आप कटोरा में निकाल ले। देखिए, वायल भी बहुत कम थी, क्योंकि वायल इसका लीकेज कर गया था। देखिए कितना कम वायल है, देख रहे कितना लीकेज कर रहा है। ये लीकेज वजह से वायल भी कम हो गया है, शॉकर ढंग से काम नहीं कर रहा था। सारा वायर को आप निकाल ले इस तरह से। देखिए कितना कम वायर है, इसको निकाल ले। अच्छी तरीके से वायर को भरने दे। इसके अंदर एक बोल्ट लगी हुई होती है, आपको 8 नंबर का एलकी रिंच से उसे खोलना होगा। ये देखिए 8 का एलकी रिंच है, इससे आपको खोलना होगा। इस तरीके से आप उसमें डालें, लेकिन थोड़ा उससे पहले हल्का इस नट को जो है आप हल्का हथौड़ी से ठोक दे, क्योंकि वो टाइट रहता है तो दिक्कत होगी। हल्का ठोकने के बाद ये आसानी से खुल जाता है ठोकर पड़ने पर। इस तरह से हल्का हल्का ठोक दे। उसके बाद ये एलकी रिंच लगा के, ये 8 नंबर का एलकी रिंच है, इस तरह से लगा कर करके किसी भी चीज से इस तरह से ढीला कर ले। देखिए ठोकने पर ढीला हो चुका था, क्योंकि इस तरह से आपको खोल लेना है। देखिए ये खुल चुकी है। देखिए उसके बाद इसका आराम से इसको धीरे धीरे करके इस तरीके से धीरे धीरे घुमा के इस तरह से देखिए आप निकाल ले। देखिए मैं निकाल लिया है।
अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए सोकर पाइप है, इसके अंदर जो है ये देखिए एक पंप लगी हुई है। अब देख रहे हैं एलकी बोल्ट जो आप खोले थे इसी गुना में वो एलकी बोल्ट लगा हुआ रहता है। इसको इस तरह से निकाल लें, पाइप खूब अच्छी तरीके से आप गंदगी जो है उसको साफ कर ले, इस तरह से साफ कर ले अच्छी तरीके से। देखिए मैंने साफ कर लिया है, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए ये वैलसिल नहीं है, वैलसिल को एक कैप रहता है, इसको निकालने के लिए आप पेचकस के द्वारा इस तरह से देखिए इस तरह से निकाल ले। इसको भी साफ करके लगाएंगे, गंदा ना लगाएं। आप देखिए ये है वैलसिल, सोकर वैलसिल इसको कहते हैं। यही वैलसिल जो है लीक कर गया, इसी वजह से वैल जैसे फेंक रहा है और सोकर जो है सारा वैल गिरने की वजह से सोकर काम भी नहीं कर रहा है। इसको खोलने के देखिए यहाँ एक लॉक लगी हुई है, आप देख रहे होंगे ये स्प्रिंग लॉक है। इस स्प्रिंग लॉक को आपको पेचकस के जरिए आपको खोल लेना है। इस तरीके से पेचकस ले लेंगे इस तरह से, यहाँ देखिए कॉलम बना हुआ है, इसमें इस तरह से लगा करके इस तरह से आप निकाल लें। देखिए ये लॉक है दोस्तों, भूलिएगा नहीं, ये लॉक जरूर खोलिएगा और लगाने के बाद भी इस लॉक को अच्छी तरीके से लगा दें। इसको भी पोछ करके अच्छी तरह से साफ करके लगाएं, गंदा ना लगाएं, क्योंकि वैलसिल में कचरा जाने की वजह से फिर वैलसिल लीक कर जाएगा। देखिए देखिए आप देख रहे हैं इसमें वैलसिल लगी हुई है। इस वैलसिल का नंबर होता है 43 55 11, 43 55 11 नंबर होता है इस वैलसिल का, ये ध्यान रखेंगे। जी पेचकस के द्वारा इस तरीके से आप इसको देखा आपने, पेचकस के द्वारा मैंने इसे खोल लिया है, इस तरह से खोल ले। ये वैलसिल है 43 55 11, इस वैलसिल का नंबर होता है। इसी वैलसिल को बदलने के बाद आपका सोकर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बदल के दिखाता हूँ, लेकिन इसको अच्छी तरीके से पहले आप साफ कर ले, गंदा बिल्कुल ही ना लगाए। इस तरीके से मैं कपड़ा डाल करके इस तरीके से वो साफ कर लें। इस तरीके से अच्छे साफ करें, वीडियो स्किप ना करेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों का कमेंट आ रहा है बहुत अच्छा अच्छा, उसके लिए धन्यवाद। देखिए मैंने साफ कर दिया है, इस तरीके से आप पूरी तरह साफ कर ले। साफ कर ले और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वैल्व किस तरह से लगाना है। देखिए ये वैल्व है, देखिए वैल्व लगाने से पहले इसमें आपको जो है ग्रीस थोड़ा सा डाल दें। ग्रीस लगा लेने से लगाने में आसानी होगी, इस तरीके से आप ग्रीस लगा दें। उसके बाद यहाँ देखिए वैल्व को देखिए उल्टा ना लगाएं, यहाँ देखिए ये कॉलम है और ये अंदर है, ये पोर्शन जो है ये अंदर रहेगा, ये पोर्शन ऊपर रहेगा। इस तरह से लगाए, उल्टा बिल्कुल ना लगाए, इस तरह से नहीं लगाना, इसी इस तरह से लगाना है। देखिए इस तरह से आप इसके आराम से रख दिए, हथौड़ी से हल्का हल्का इसे पुश करें, ठीक इस तरीके से हथौड़ी से हल्का हल्का इसे पुश करें। उसके बाद ये पाइप के जरिए तो थोड़ा थोड़ा आपको इस तरीके से पुश करना है।
देखिए दोस्तों, वेल सील यहाँ चला गया है। ये लॉक का कॉलम है, इस कॉलम के नीचे तक वेल सील को ठोक देना है। उसके बाद इस लॉक को अच्छी तरीके से साफ करके इस लॉक को इस कॉलम में इस तरीके से लगा देना है। दोस्तों देखा आपने कितना आसान है। उसके बाद ये जो ऊपर से कैप लगा हुआ है इसको भी अच्छी तरीके से साफ करके लगा दे दोस्तों। देखो दोस्तों इस तरह से साफ कर ले, देखिए इसको इसको हाथ से ज़्यादा करके हाथ से ही देखो दोस्तों इस तरह से मैंने रोक दिया है। देखिए आपका ये वेल सील लग के बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। अब उसका सॉकर बिल्कुल लीक नहीं करेगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इस पंप को भी साफ कर ले। इस पंप को लगाना है कैसे, ये देखिए सॉकर पाइप है, बिल्कुल सही है, साफ कर ले। एक छड़ या कोई चीज़ के जरिए आप इसको इस तरह से रखें, देखिए इस तरह से एक छड़ ले ले, यहाँ देखिए इसमें आपको इस तरह से इसे डाल के सीधे ऊपर लेके जाना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए इस तरीके से आपको ये निकाल लेना है, इसी में वो रखता है। अब आपको जो इसमें इस तरीके से पोंछ ले इसी तरीके से। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको इसमें धीरे धीरे लगा लेना है। दोस्तों देखिए बच चुका है, एल की रिंग से आपका एल की रिंग से यहाँ देखिए बोल्ट है, इस बोल्ट को आपको इस तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों देखा आपने कितना आसान है। यहाँ देखें इस नेट को दोस्तों फुल टाइट करेंगे, अगर ढीला रखेंगे तो यहाँ से भी वायर लीकेज करने लगेगा। कोई चीज़ से पकड़ के अच्छी तरीके से देखिए दोस्तों मैंने टाइट कर दिया है। अभी फुल टाइट करो, उसके बाद इस सड़क को आपको सबसे निकाल ले, हटा ले। तो दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल लीक नहीं करेगा। देख ले इस तरीके से फिर साफ कर ले। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें स्प्रिंग आपको लगाना है, स्प्रिंग लगाना है दोस्तों। स्प्रिंग को भी कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर ले। ध्यान रखेंगे दोस्तों एक चीज पर ध्यान देना है आपको, यहाँ देखिए यहाँ का स्प्रिंग है, देखिए आप बिल्कुल सटी सटी हुई है, और यहाँ से देखिए दूरी स्प्रिंग का बढ़ चुका है। ये ध्यान रखिए, जिसका दूरी हाइट ज़्यादा है दूरी ज़्यादा है, यहाँ देखिए कम है। दूरी ज़्यादा वाला को आप ऊपर रखेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, ये कम गैपिंग वाले को नीचे रखना है, ज़्यादा गैपिंग वाले को ऊपर रखना है। इस तरीके से आपको डालना है दोस्तों, देखिए चला गया। आप इस पाइप को आप जो है इस तरह से ऊपर कर लें, देखिए दोस्तों इस तरह से कर ले। अब आप इसमें इसको आपको वायर डालना होगा, इसमें सॉकर वायर पड़ता है दोस्तों। सॉकर वायर जो है देखिए ये सॉकर वायर है, इसमें आपको डाल देना है इस तरीके से, डाल दे दोस्तों। दो डिब्बा का वायर लगेगा दोस्तों, दो डिब्बा डालना है इस तरीके से, आपको वायर को डाल देना है दोस्तों। तीन साढ़े 300 ml के आसपास वायर लगता है। वायर डालने के बाद इस सॉकर पाइप को आपको दो तीन बार इस तरह से अप डाउन कर देना है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी वायर डालने के बाद ईयर लेने के बाद सॉकर काम नहीं करता है। इस तरीके से आपको करने से क्या होगा कि इसका अंदर जो ईयर बना है वायर देने के बाद वो ईयर आपका निकल जाएगा दोस्तों। ईयर निकलने के बाद आपका सॉकर सही से काम करेगा। बहुत दोस्तों ये करते हैं कि वायर डाल के डायरेक्ट नट लगा देते हैं, इसमें सही से काम नहीं करता है। इस तरीके से आपको
अप डाउन कर करके कर लेना है दोस्तों। देखिए मैंने कर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये नट को जो है आप देख रहे हैं, इस नट को आपको इस पर लगा देना है दोस्तों, इस तरीके से करके। देखिए दोस्तों मैंने लगा दिया है। उसके बाद 27 नंबर इंच से इसको इस तरीके से टाइट कर लें। तो फुल टाइट करने के लिए जब गाड़ी में लगाने के बाद आप करेंगे, पहले मैं आपको इसको दबा के दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों किस तरीके से सो पर काम कर रहा है। यहाँ देखिए आपने देखा दोस्तों, सॉकर बिल्कुल आप सही है, ये नट और टाइट होगा। गाड़ी में लगाने के बाद आप इसको जो है अच्छी तरीके से, इस तरीके से जब लगने के बाद ये नट को भी ढीला नहीं रखना है दोस्तों, नहीं तो ऊपर से जो है वायर लीकेज करने लगता है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरीके से इस नट को आपको टाइट कर लेना है, फुल टाइट। देखिए दोस्तों आपको सॉकर बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। अब ये सॉकर अच्छी तरीके से काम करेगी, लीक भी नहीं करेगी। स्प्रिंग को भी आप अच्छी तरह से साफ कर ले, देखिए बहुत सारा गंदा है, अच्छी तरीके से साफ करके देखिए दोस्तों साफ करके इस तरीके से आप लगा ले दोस्तों। देखिए मैंने लगा दिया, कैप है ये कैप लगा दे। तो देखा आपने दोस्तों कितना आसान है ये सॉकर बनाना। इस तरीके से अगर आपके रिक्शा का फ्रंट सॉकर लीक कर जाता है या सॉकर काम नहीं कर रहा हो, इस तरह से खोल के आप आसानी से इसका ऑयल सील बदल करके और ऑयल डाल के बिल्कुल सॉकर को सही कर सकते हैं। बहुत मिस्त्री ऐसे कर लेते हैं कि सॉकर को ही चेंज कर देते हैं। अगर पाइप कटी हो तो पाइप बदले, पाइप इसका बिल्कुल सही था। ऑयल सील लगाने के बाद ये अच्छी तरह से आप काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं।